मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना देश दूसरों का ऐसा इतना हमारा भी है। हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए, जो चाहता हमारी हत्या कर देता है। मूछें रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मटकी छूने पे हमारी हत्या हो रही है। क्या बदला है सर? 70 साल बाद भी दलित पिछड़े मुसलमानों पे हिंसा नहीं रुक रही है सर। हमने मणिपुर देखा सर, हमने पहलवान बेटियों का हर्ष देखा सर, और हमने सर हाथरस की बेटी का हर्ष देखा सर, और हाथरस के परिवार को जो वादा किया था सरकार ने वो भी पूरा नहीं किया। और महिलाओं में भी, स्पेशली दलित पिछड़े और मुस्लिम वर्ग की, आदिवासी वर्ग की महिलाओं के साथ आज भी एनसीआरबी का डाटा कहता है सर, जो जुल्म हो रहा है वो सहनीय नहीं है सर। भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। 2 अप्रैल 2018 को SC ST के बच्चों पे बहुत बड़े पैमाने पे मुकदमे लगे थे, वो हमारी लड़ाई सही थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना और बाद में सरकार ने माना, वो मुकदमे तुरंत वापिस होने चाहिए। मैं संवैधानिक मर्यादा का पालन करूंगा, मगर हम तो माननीय सभापति जी सुन ही रहे हैं। आप बोलिए। जो पत्रकार सरकार के खिलाफ बोलता है नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, और सोशल मीडिया हमारा हथियार है, उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, और विरोध करने वालों को सोशल मीडिया हैंडल भी सस्पेंड करा दिए जा रहे हैं। निजी क्षेत्रों में SC ST OBC को रिजर्वेशन देने का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, जो कि आज चर्चा का विषय, क्योंकि 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी सेक्टर है, तो 98% प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। जय भीम। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने को आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महान पुरुषों को नमन करता हूँ, जिनमें महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब को मैं याद भी करता हूँ आज के दिन पर, साथ साथ नगीना की महान जनता और भीम आर्मी और हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद अपने कुलगुरु जगतगुरु सद्गुरु रविदास जी महाराज को भी मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने दुनिया को लगभग 600 साल पहले बेगमपुरा शहर के रूप में दुनिया का सबसे महान लोकतांत्रिक दर्शन दिया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति जी, 14 अगस्त 1947 को ये देश अंग्रेजों के अधीन था, 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए, 16 अगस्त 1947 को देश आज़ादी में था, लेकिन धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। जो साधन संसाधन थे उनमें बंटवारा सही रूप से ना होने के कारण एक बहुत बड़ी आबादी सुविधाओं से वंचित और सम्मान से वंचित रह गई। उनको सम्मान देने के लिए और अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए लोकतंत्र की व्यवस्था हुई, लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी हम कहाँ खड़े हैं, इस पर ये चिंता का विषय है। मैं मानता हूँ कि सामाजिक न्याय तभी होगा माननीय सभापति जी, जब जातीय जनगणना पूरी होगी और जातीय जनगणना कराई जाएगी, और साथ साथ संख्या के आधार पर आरक्षण जो है वंचित वर्गों का बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ जब राष्ट्रपति जी अभिभाषण पर बात रख रही थी तो उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात कही, और ये भी कहा कि दुनिया में सबसे उत्तम शहर हमारे यहाँ बने, लेकिन माननीय सभापति जी, 70% आबादी तो गाँव में निवास करती है, तो गाँव की आबादी के बारे में भी सोचना होगा कि उनका जीवन कैसे बदले। माननीय सभापति जी, उस शैक्षणिक संस्थानों में बहुजन समाज के जो छात्र हैं उनके साथ कास्ट एट्रोसिटी हो रही है, निरंतर उनकी हत्या हो रही है, साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं दफ्तरों में उनके साथ भी, जो SC ST OBC और मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक उनके साथ भी माननीय सभापति जी जातिगत और धार्मिक जो है शोषण किया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग भी है कि पुरानी पेंशन को भी अध्यक्ष जी बहाल किया जाए, जो कर्मचारी देश की सेवा में लगे हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। साथ साथ सभापति जी, भाजपा ने चुनावी लाभ के लिए सबका साथ सबका विकास के नारे दिए जो खोखले हैं, क्योंकि 10 साल में दलित पिछड़े आदिवासी मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक जो अत्याचार हुए हैं वो किससे छिपे हुए नहीं हैं, ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। सभापति महोदय जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में निजी क्षेत्रों में SC ST OBC को रिजर्वेशन देने का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, जो कि आज चर्चा का विषय, क्योंकि 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी सेक्टर है, तो 98% प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। माननीय सभापति जी, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी वर्करों, भोजन माताओं के वेतन वृद्धि पे भी कोई उल्लेख नहीं हुआ है, वो भी अभी नंगे, उन पर भी सोचना पड़ेगा। माननीय सभापति जी, जिस क्षेत्र से मैं चुन के आऊँ नगीना से, वो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई विशेष आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया, रोजगार की सेवाएं नहीं है, नौजवान पलायन करता है, IIT IIM AIIMS केंद्रीय विद्यालय आदि शिक्षा में
और चिकित्सा संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और माननीय सभापति जी, मानसून सत्र आ गया है, मेरा क्षेत्र बाढ़ से बहुत प्रभावित है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहां के लोगों को बाढ़ से निजात दिलाई जाए। माननीय सभापति जी, चीन हमें आंख दिखा रहा है और लगातार हमारे देश की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, इसलिए अग्निवीर योजना को हटाकर पुनः सेना भर्ती शुरू की जाए और साथ साथ भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। माननीय सभापति जी, पिछले सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर जितना कर्ज लिया है उससे दुगना कर्ज हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। किसान अगर अपना कर्ज माफ कराने के लिए जाता है तो लाठी झेलनी पड़ती है, जबकि सरकार ने धन्ना सेठों का 15 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। इस ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय जी, किसानों को MSP की लीगल गारंटी तथा किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। साथ साथ 2 अप्रैल 2018 को SC ST के बच्चों पे बहुत बड़े पैमाने पे मुकदमे लगे थे, वो हमारी लड़ाई सही थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना और बाद में सरकार ने माना, वो मुकदमे तुरंत वापस होने चाहिए। माननीय सभापति जी, प्रेस जो है उस पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, जो पत्रकार सरकार के खिलाफ बोलता है नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, और सोशल मीडिया हमारा हथियार है, उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और विरोध करने वालों को सोशल मीडिया हैंडल भी सस्पेंड करा दिए जा रहे हैं। साथ साथ सभापति जी, पेपर लीक और परीक्षाओं के कैंसिल होने से देश के नौजवानों का भविष्य खतरे में है। नीट, UP सिपाही भर्ती सभापति जी और 9000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं, खून के आंसू रो रहे हैं बच्चे, बेरोजगारी का दंश युवा झेल रहे हैं, इसलिए मेरा आग्रह है कि युवाओं के लिए कृपया समाप्त करें। माननीय सभापति जी, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, आप कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा, मैं आपकी बात, मैं संवैधानिक मर्यादा का पालन करूंगा, मगर हम तो माननीय सभापति जी सुन ही रहे हैं। आप बोलिए, एक मिनट। धन्यवाद सभापति। अध्यक्ष सभापति जी, नारी सम्मान की बात करने वाली सरकार, हमने मणिपुर देखा सर, हमने पहलवान बेटियों का हर्ष देखा सर, और हमने सर हाथरस की बेटी का हर्ष देखा सर, और हाथरस के परिवार को जो वादा किया था सरकार ने वो भी पूरा नहीं किया, और महिलाओं में भी स्पेशली दलित पिछड़े और मुस्लिम वर्ग की आदिवासी वर्ग की महिलाओं के साथ आज भी NCRB का डाटा कहता है सर, जो जुल्म हो रहा है वो सहनीय नहीं है सर। साथ साथ कोविड में तैरती, हमने कोविड में बहुत सुना सर, कोविड में तैरती लाशें भी गंगा में हमने देखी है सर, और मजदूरों का हाल भी हमने देखा है। सभापति जी, बस समाप्त कर रहा हूँ, नोटबंदी पे छोटे मझले उद्योग की जो कमर टूटी वो भी हमने देखी है। सभापति जी, शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों में, चिकित्सा संस्थानों में OBC ST ST के योग्य अभ्यर्थी को NFS करके जिस तरह निकाला जा रहा है, लेटरल एंट्री करके जिस तरह हमारे रास्ते बंद किए जा रहे, ये भी हम देख रहे हैं सभापति जी। साथ साथ मेरा ये कहना है सर, ये सबका इशू है कि प्राइवेट कर्मचारी सर और सरकारी भी कई जगह पे 8 से ज़्यादा घंटों से काम करते हैं, और उनको जब सर उचित वेतन भी नहीं मिलता, तो न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये तय हो और 24 घंटे की ड्यूटी, उदाहरण के तौर पर यूपी पुलिस सर बहुत पूरा काम करते हैं वो लोग। वो राज्य के विषय हैं, आप यहां सर, मैं आपके राज्य सरकार के के लिए भी आपके संज्ञान में डाल रहा हूँ विषय सर, पुलिस सब जगह है सर, लेकिन सवाल ये है सर, बहुत पसीना बात है, 8 घंटे की ड्यूटी और वेतन विसंगतर बोर्डर स्कीम से उनको जो है बाहर किया जाए। माननीय सभापति जी, एक मिनट चाहिए सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने धर्म के बारे में बात की थी, राम मंदिर से पहले हमारे गुरुगढ़ तुगलकाबाद का फैसला आया था राष्ट्रपति जी, वो सभापति जी अभी तक दिल्ली में स्थित सदगुरु रविदास जी महाराज का गुरुघर नहीं बना। साथ साथ सभापति जी, अपनी बात को खत्म करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना देश दूसरों का है सर, इतना हमारा भी है, हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए, जो चाहता हमारी हत्या कर देता है, मुछे रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मटकी छूने पे हमारी हत्या हो रही है। क्या बदला है सर, 70 साल बाद भी दलित पिछड़े मुसलमानों पे हिंसा नहीं रुक रही है सर। मेरा आपसे संरक्षण के साथ ये आग्रह है कि इन घटनाओं को रोका जाए, और देश किसी की बपोती नहीं है, देश संविधान से चलता है सर, और संविधान से चलेगा, संविधान छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी सर। धन्यवाद साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB00002 35, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली।
आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।